नहीं, यदि एक वाक्य में पूछें तो मैं ये कहूंगा कि इस कामयाबी से गगनयान की यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है उसकी तरफ आज हमने पहला कदम उठाया है। द फर्स्ट स्टेप इन द लास्ट लेग ऑफ जर्नी टूवर्ड्स द लॉन्च ऑफ गगनयान। और आज जो प्रशिक्षण हुआ है, ये टेस्ट फ्लाइट, इसके बाद इसकी सफलता के बाद एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस तरह की फ्लाइट्स की जाएंगी। अब आज की टेस्ट फ्लाइट से उदाहरण के तौर पर क्रू मॉड्यूल की इवैल्यूएशन भी हुई, टेस्ट व्हीकल की इवैल्यूएशन हुई, और साथ में एस्केप सिस्टम जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से एक मानव को अंतरिक्ष में भेजना महत्वपूर्ण है उससे भी अधिक अनिवार्य है उसको सुरक्षित रूप से वापस लाना, और उसका भी आज इवैल्यूएशन इसके माध्यम से हुआ। और इसके बाद हम जैसे IT-1D1 था उसके D2, D3, D4 करके आगे बढ़ते जाएंगे, और आखिरकार एक बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का ड्रेस रिहर्सल, जिसमें पूरी की पूरी स्पेसशिप, जिसमें मानव तो नहीं होगा लेकिन वो उसी प्रकार की इटर्नरी उसकी यात्रा रहेगी जिस तरह के गगनयान की। और फिर गगनयान के जाने से लगभग 4-6 महीने पहले एक रोबोटिक, एक महिला रोबोट हो रहेगी, बायोमित्र, वो उसी प्रकार की प्रक्रिया फंक्शनिंग करेंगी, वही उनको जो जिस प्रकार के हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले मानव एस्ट्रोनॉट्स की जिम्मेवारियां रहेंगी उन्हीं को वो संपन्न करेगी, और सुरक्षित वापस पानी में जब वो वापस लौटेंगी उन्हें सुरक्षित निकाला जाएगा। उसके बाद फिर वो मरहला आएगा कि एक गगनयान लगभग 2025 में हम भेज पाएंगे। मुझे लगता है कि अब वो स्थिति आ गई है, प्रमाणित तौर पर विश्व मान चुका है कि वो जमाना जाता रहा। हालांकि हमारी अंतरिक्ष की यात्रा बहुत देर से प्रारंभ हुई थी, यदि आप तुलना करें तत्कालीन सोवियत यूनियन के साथ या अमेरिका के साथ, लेकिन आज हम उस स्थिति में हैं कि हमारी लाई गई जानकारी, हमारी लाई गई सूचनाएं दूसरे देश साझा करने के लिए तत्पर रहते हैं। उदाहरण के तौर पर चंद्रयान हमारा सदर्न पोल पर जाकर के लैंड हुआ है, जहां पहली बार इस प्रकार की लैंडिंग हुई है, और वहां से जो जानकारियां प्राप्त हुई अभी तक साझा तो नहीं हुई, लेकिन दूसरे देश भी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आज हम इस स्थिति में हैं कि हम, जहां समझा जाता है कि भारत सदा दूसरे देशों की अगुवाई में काम करता है, आज हम उनकी अगुवाई करने की स्थिति में, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार का अनुकूल वातावरण दिया उससे एक क्वांटम जंप मिला है पिछले 3-4 वर्षों में। ये कोई साधारण बात नहीं है कि आज से 3-4 वर्ष पहले तक हमारे यहां मात्र 4 या 5 स्टार्टअप्स हुआ करते थे इसरो में, आज उसकी बढ़कर के संख्या 150 से अधिक हो गई, उनमें से बहुत से एंटरप्रेन्योर बन गए। वो इसलिए कि मोदी जी ने पुरानी बंदिशों से हमें मुक्त कर दिया, ब्रोकन दी टैबूज ऑफ दी पास्ट। आज वहां पर प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी है, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट भी है, सारे स्टेक होल्डर्स मिलजुल करके काम कर रहे हैं, और इसीलिए सारा देश, सारा राष्ट्र हर मिशन को अपना मिशन समझता है।